हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 25 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड 750 मिलियन USD इक्वलेंट इन इंडियन रुपीज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू इलेक्ट्रीफाई रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल नॉन सोवेरियन लोन एवर कमिटेड बाई एडीबी टू इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC टू फंड द रेलवेज ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने घोषणा की है कि उसने भारत में रेलवे पटरियों को विद्युतीकृत करने के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण में भारतीय रुपये के बराबर $750 मिलियन के प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण परियोजना को निधि देने के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC द्वारा एडीबी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल संप्रभु ऋण है। नेक्स्ट, आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड ए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक प्लेयर्स इन द काउंटर द मार्केट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटर्स सेबी एंड IRDAI हैव आल्सो लॉन्च्ड सिमिलर इनिशिएटिव्स। भारतीय रिजर्व बैंक के फिनटेक खिलाड़ियों के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स स्थापित करने के लिए एक मसौदा रूपरेखा जारी करने के बाद ने काउंटर के रूप में बाजार और बीमा नियामकों सेबी और IRDAI ने भी इसी तरह की पहल शुरू की है। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU फॉर सपोर्टिंग ज्वाइंट कोलेबरेटिव रिसर्च प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ कैंसर। भारत के प्रधानमंत्री के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कैंसर के क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे अनाउंस्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम हर पोस्ट सी विल रिजाइन ऑन 7 जून। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। वह 7 जून को इस्तीफा देंगी। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स CFM ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेल्ड इन बिस्पेक क्रीज रिपब्लिक। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी आल्सो अटेंडेड द मीटिंग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में होने वाले संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों CFM की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान उन्होंने आतंकवाद के खतरे सहित कई दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। नेक्स्ट, वोलोडिमिर जेलेंस्की टुक द ऑथ ऑफ ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन एंड इमीडिएटली अनाउंस्ड दैट ही इज डिजॉल्विंग द वर्खोना रादा द कंट्रीज पार्लियामेंट। इन हिज इनॉग्रल स्पीच जेलेंस्की कॉल्ड फॉर द डिसमिसल ऑफ सेवरल टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ही हैज रिप्लेस्ड पेट्रो पोरोशेंको। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली और तुरंत घोषणा की कि वह देश की संसद वेरखोवना राडा को भंग कर रहे हैं। अपने उद्घाटन भाषण में जेलेंस्की ने कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को बर्खास्त करने का आह्वान किया।
उन्होंने पेट्रो पोरोनसेको का स्थान लिया है। नेक्स्ट आई बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की, तो इन आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस चीफ जगन मोहन रेड्डी विल बी स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 13 मई एट विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी 30 मई को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट, द सेंटर हैज डिक्लेयर्ड फॉर नेम्स रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉर 11 एज जज ऑफ द अपेक्स कोर्ट। द फोर अपॉइंटेड जज आर जस्टिस अनुराधा बोस, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस सूर्यकांत। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में उन्नयन के लिए सुझाए गए 4 नामों को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। 4 नियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की, तो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट्स इकोनॉमिक आउटलुक, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिमे गेन स्ट्रेंथ एंड अप्रोच 7.5% बाई 2020 बियॉन्ड बाई रूरल कंजम्पशन एंड सब्ड्यूडेड इन्फ्लेशन। एज पर द रिपोर्ट ग्रोस डोमेस्टिक रिपोर्ट GDP ग्रोथ इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू स्ट्रेंथन टू क्लोज 7.25% इन FY19। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि पुनः सशक्त हो जाएगी और 2020 तक ग्रामीण और माथत मुद्रास्फीति द्वारा 7.5% तक पहुँच जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि 7.25% के करीब मजबूत होने का अनुमान है। और बात करते हैं लास्ट और न्यूज की, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल अलाउ लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट टू इंक्रीज द सर्विस चार्ज ऑन कैश डिपॉजिटेड बाय नॉन चेस्ट बैंक ब्रांचेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 5 रुपीज पर पैकेट ऑफ 100 पीस टू ए हायर रेट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 8 रुपीज पर पैकेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह गैर बैंकों द्वारा जमा की गई नकदी पर सेवा शुल्क को बढ़ाकर 100 पीस के 5 रुपये प्रति पैकेट की मौजूदा दर को बढ़ाकर अधिकतम 8 रुपये प्रति पैकेट करने की अनुमति देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।